अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ब्लॉक लेटर्स लिखेंगे जो कि थोड़े से तिरछे हैं। ये जो आप इसी के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, यहाँ से ये तिरछी लाइन और फिर यहाँ से ऐसे ए। टेढ़ी लाइन ऊपर से गोल किया और फिर उसके बाद नीचे से गोल किया, ये बन गया बी। नेक्स्ट हम लिखेंगे सी। सी की जो गोलाई है वही इसकी खूबसूरती है। आपने दरमियान में रुकना नहीं है, इसको बिल्कुल लिखना है। जैसे बी की टेढ़ी लाइन लगाई थी, टी की भी वैसे लगाएंगे। अब है ई। ई की तिरछी लाइन, साइड वाले जो दोनों किनारे हैं वो बड़े होंगे, दरमियान वाला छोटा होगा। इसके बाद है एफ़, ऊपर वाला किनारा बड़ा, दरमियान वाला छोटा। एफ़ के बाद है जी। सी की तरह बिल्कुल बनाएंगे इसको, फिर वो थोड़ा ऊपर ले जाके, और ये ऐसे एच बनाएंगे। ये टेढ़ी लाइन है और दरमियान में से हम इसको जोड़ देंगे। आई, ये इस तरह से आपने देखना है अटेम्पशन को कि किस तरह से अटेम्प्ट किया गया है। जैसे आई बनाया था वैसे ही जे बनेगा। जे के बाद हमने लिखना है के, टेढ़ी लाइन, फिर उसके बाद ऐसे। आपने हर लाइन हर बार देखें, आप देख रहे हैं कि एक ही एंगल पे है लाइन, तो कुछ भी लिखेंगे हम वैसे ही लिखेंगे। ये देखें एम, एम का आपने दरमियान से फासला देख लेना है कैसा है। उसके बाद है एन। ओ भी तिरछा ही है। पी, क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद है टी, यू देखे W भी बिल्कुल M की तरह है उल्टा, लेकिन इसकी भी आपने देख लेना है कि किस तरह से हैं दोनों। X, Y, पहले छोटा सा V बनाना है, फिर नीचे सीधी लाइन Y बन जाएगा। उसके बाद है Z। उम्मीद है आपने साथ साथ सीखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड किस तरह से लिखना है। आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ इसको आपको मैं प्रैक्टिस का तरीका बता दूं। पहले आपने एक बार वीडियो को देखना है सीक्वेंस से कि कौन सा वर्ड किस तरह से लिखा जा रहा है, पेन किस तरह से घुमाया जा रहा है। उसके बाद आपने एक बार पूरा देख लेंगे तो आपकी नज़रों से गुजर जाएगा। तो फिर दोबारा से आपने वीडियो ओपन करनी है और उसको इस तरह से लिखना है कि साथ साथ प्रैक्टिस भी हो उसकी। तो उस सूरत में आप देखेंगे कि जब आपकी नज़रों से पहले से ही वर्ड गुज़रा हुआ है तो आपको वो दोबारा लिखने में आसानी होगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं, अच्छी लगती हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न्स और जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। आपके अपने बच्चे हैं वो भी इसको सीख सकते हैं, और आपके रिलेटिव्स में कोई अगर हैं स्टूडेंट्स बच्चे तो वो भी सीख सकते हैं। ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है वीडियोस, ये छोटों के लिए भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें क्योंकि सम पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं, तो इसलिए आपने वीडियो को लाजमी देखना एंड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।